मेरी YouTube चैनल राज एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कैसी होंगी ITI की CBT एग्जाम। दो स्टेज की एग्जाम पार पड़ गई है, अब तीसरी एग्जाम जो DGT के मोस्ट पॉपुलर ट्रेड है उनकी एग्जाम कैसी होगी, कैसा होगा पेपर, कहाँ से पेपर आएगा, क्वेश्चन कितने रहेंगे, कितने मार्क होंगे, इसके जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। आपको रिक्वेस्ट एक ही है कि ये वीडियो अंत तक देखिए। आपने राज एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। एक वर्ष इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए कुल जो प्रश्न पत्रिका रहेंगी 80 मार्क की रहेंगी, वो एग्जाम एक ही साथ कंडक्ट होगी, उसमें कोई ब्रेक नहीं रहेगा। और ट्रेड थ्योरी के लिए 40 प्रश्न रहेंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के लिए 20 क्वेश्चन रहेंगे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए 20 क्वेश्चन रहेंगे, और इसके लिए 3 आवर्स का समय रहेगा। और इस में ट्रेड थ्योरी का 100 मार्क का पेपर होगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन 50 मार्क और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 50 मार्क का होगा। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड जैसे कि बेसिक कॉस्मेटोलॉजी, ड्रेस मेकिंग, कटिंग, शूइंग इत्यादि जो ट्रेड हैं उनके लिए 60 मार्क के कुल क्वेश्चन रहेंगे, उसमें ट्रेड थ्योरी 40 क्वेश्चन रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए 20 क्वेश्चन रहेंगे। उनको वर्कशॉप कैलकुलेशन का पेपर नहीं रहता है, दो ही पेपर रहते हैं, तो 100 मार्क और 50 मार्क का पेपर रहेगा। ये इंडिविजुअल पेपर जांचे जाते हैं। 2 वर्ष अंतिम वर्ष जो ट्रेड है उनके लिए ECS मतलब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर नहीं रहता है, उस कारण उनका ट्रेड थ्योरी का पेपर और वर्कशॉप कैलकुलेशन का पेपर यही होगा, मतलब नॉन इंजीनियरिंग जैसा ही उनका पैटर्न रहेगा। उसके लिए समय रहेगा 2 घंटा 15 मिनट, और उनके लिए ट्रेड थ्योरी 40 क्वेश्चन रहेंगे और वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए 20 क्वेश्चन रहेंगे। 100 मार्क का ट्रेड थ्योरी का पेपर होगा और जो ES का पेपर है, सॉरी ये वर्कशॉप कैलकुलेशन 2 ईयर ट्रेड के लिए ES नहीं रहता है, वर्कशॉप कैलकुलेशन ही रहेगा, तो 20 क्वेश्चन रहेंगे, ये भी 50 मार्क के क्वेश्चन होंगे। इसमें ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क रहते हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेंगी, और समय रहेगा इसके लिए 2 घंटा 15 मिनट, मतलब नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए 2 पेपर रहेंगे, एक रहेगा ट्रेड थ्योरी और एक रहेगा वर्कशॉप, सॉरी ES रहेगा, और 2 वर्ष के लिए जो भी ट्रेड है उनके लिए ट्रेड थ्योरी और वर्कशॉप कैलकुलेशन ये 2 सब्जेक्ट रहेंगे। समय रहेगा ट्रेड थ्योरी के लिए 1.5 घंटे का और 45 मिनट का समय रहेगा मैथमेटिक्स और ES के लिए। सभी प्रश्न के लिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए इक्वल मार्क रहेंगे, ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क, मतलब 40 क्वेश्चन है और 100 मार्क का पेपर है तो 2.5 मार्क का एक क्वेश्चन हो जाएगा, और वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए भी वैसे ही रहेगा। तो सब्जेक्ट कौन सा है, ट्रेड थ्योरी, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 40 और मैक्सिमम मार्क रहेंगे 100, वर्कशॉप कैलकुलेशन के जो भी पेपर रहेंगे उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 20 और मैक्सिमम मार्क रहेंगे 50, ES के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 20 और मैक्सिमम मार्क रहेंगे 50। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप एग्जाम है और उसमें सभी क्वेश्चन के लिए इक्वल मार्क रहते हैं। मैथमेटिक्स जो मतलब वर्कशॉप कैलकुलेशन, ये भी पेपर आपका होगा जब ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन, ये जो पेपर हैं एक साथ ही होंगे, इसमें ब्रेक नहीं मिलेगा एग्जाम के दौरान। और जो भी पेपर जांचे जाएंगे वो सब्जेक्ट सेपरेटली जांचे जाएंगे। एग्जाम ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम है, तो ट्रेनी ने मतलब क्या करना चाहिए,
Trainee must enter the register email ID and password to logging. तो आपका जो भी चालू मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी जो भी आप यूज में ला रहे वो होना जरूरी है, अपडेट होना जरूरी है। और आपके मोबाइल में आपका जो नेट पैक ये भी होना जरूरी है, क्योंकि ओटीपी आएगा पासवर्ड जब डालेंगे लॉगिंग करते समय, तो डालने के लिए आपका ईमेल आईडी होना जरूरी है और अपडेट मोबाइल जो चालू है वो भी होना जरूरी है, ये ध्यान में रखिए। एक बार लॉग होने के कारण ट्रेनीज मस्ट गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। जब भी एग्ज़ाम देने के लिए बैठेगा तो लॉगिंग होने के बाद जो भी इंस्ट्रक्शन आए वो पढ़ के, उसका प्रोफाइल डिटेल्स पढ़ के आगे स्टेप वाइज बढ़ते रहेगा। और एक बार स्टार्ट एग्ज़ाम कर दिया तो उसे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके ही एंड ऑफ द बटन करना है। और जब भी ट्रेनीज मतलब प्रशिक्षणार्थी आईटीआई का स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जाएगा तो एग्ज़ाम जो सेंटर है जहाँ पर भी दिया रहेगा, नोडल आईटीआई या नोडल सेंटर में एग्ज़ाम सेंटर रहते हैं तो उसमें आधा घंटे पहले पहुँचना जरूरी है, रिपोर्टिंग टाइम आधा घंटा पहले, ये ध्यान में रखिएगा। कोई भी वॉचेस, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन ऐसे अलाउ नहीं है, कैलकुलेटर ये भी शायद अलाउ नहीं है, तो ध्यान में रखिए। आप सपोज लेके भी जाते हैं तो पूछिए वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में इन्विजिलेटर को पूछिए और उस हिसाब से आप एग्ज़ाम के लिए तैयार रहिए। कैंडिडेट मेंटेन द कंप्लीट साइलेंस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, मतलब शांततापूर्वक एग्ज़ाम देना है। कैंडिडेट कोई भी माल प्रैक्टिसिंग करता है मतलब कॉपी वगैरह करता है तो एग्ज़ाम से डिबार्ड किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। कोई भी हड़बड़ी ना करे, आपका कॉन्फिडेंस ना घटने दे। एग्ज़ाम हॉल में जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन सिंपल ही रहते, लेकिन उसके लिए आपकी तैयारी होना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन पेपर कहाँ से सेट होता है ये सभी विद्यार्थियों के मन में प्रश्न है। तो मेरे नॉलेज से एक पेपर ये नियमित पैटर्न से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप नियमित पैटर्न का जो भी ऐप डीजीटी ने बनाया था उसमें जो क्वेश्चन आते थे उसकी प्रैक्टिस कीजिए और साल भर में आपके जो भी शिल्प निदेशक जो टीचर्स है उन्होंने जो पढ़ाया है वही से पेपर आता है, ये ध्यान में रखिए और उसकी तैयारी कीजिए। राज एजुकेशन ने आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए मैथमेटिक्स के वीडियो जो बनाए हैं राज एजुकेशन की लाइब्रेरी में, आप ये देखें तो आपको मैथमेटिक्स की तैयारी आसानी से हो जाएगी। आप अपनी वो वीडियो देख के खुद नोट्स बनाइए और आगे बढ़िए। आपको और भी नए नए वीडियो राज एजुकेशन के माध्यम से सभी ट्रेड के लिए लाने की कोशिश जारी है, तो आप ये वीडियो देखते रहिए। और भी इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए राज एजुकेशन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके एग्ज़ाम के लिए शुभेच्छा, धन्यवाद।